It's live. Now it is started. नमस्कार, आज डेल्फिक डायलॉग श्रृंखला की पांचवी कड़ी में हम ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट ऑफ इंडिया इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा आरंभ करने से पहले मैं सभी को अवगत कराना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक संगठन पूरी दुनिया में कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार और संवर्धन के लिए 1994 से ही निरंतर कार्यरत है और अभी अलग अलग राष्ट्रीय डेल्फिक काउंसिल के माध्यम से ये कार्य बखूबी निभा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान एक रजिस्टर्ड संस्था के रूप में न सिर्फ अपना काम आरंभ कर चुकी है बल्कि ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम भी शुरू कर चुकी है और इंटैक जयपुर लिटरेचर फेस्ट और राजस्थान फाउंडेशन की प्रतिष्ठित संस्थाएं हमारे साथ जुड़कर काम करने की व्यक्त कर चुकी हैं। डेल्फिक डायलॉग्स एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें संस्कृति के विभिन्न आयामों से जुड़े हुए विशेषज्ञों कलाकारों और शिक्षित लोगों को बुलाते हैं और उनसे कई विषयों पर चर्चा करते हैं और इसी कड़ी में आज हम भारत की पारंपरिक आधुनिक कलाओं के बारे में चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे पैनल में है और सुविज्ञ कलाकार सुब्रत मॉडल जो कि राजस्थान में विजुअल एचओडी रह चुके हैं और विख्यात कलाकार हम कल्याण जोशी जी की फड़ चित्रकला में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं और राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। हमारे साथ है श्री वीरेन जो मिनिएचर पेंटिंग में पूरी दुनिया में एक जाना माना नाम है, आर्ट वर्क को रिकॉग्नाइज किया और हमारे साथ है श्री सुभाष जो कि IICD में असिस्टेंट प्रोफेसर है, रियलिस्टिक आर्ट में अपना नाम रखते हैं। सबका आज हमारे पैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहले श्री शुभांकर जी से अनुरूंगी कि आप ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट इंडिया में विषय पर हमारे पैनलिस्ट से बात करते आज की परिचर्चा आरंभ करें। श्री शुभांकर जी नमस्कार मैम और सभी को मेरा प्रणाम। तो आज जो आलोचना है ये शुरू करने से पहले सबसे पहले कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के कविता की एक छोटा सा लाइन से मैं शुरू करना चाहूंगा। पीपुला ए पृथ्वी कतटुकु जानी, ये जो महाविश्व है, ये जो बहुत बड़ा दुनिया है, इस दुनिया में ज्यादातर चीजें जो हम लोगों का अनजान में है। तो चलते हैं आज हम लोग सुब्रत मंडल सर से जान लेते हैं जो फोक आर्ट ट्रेडिशनल आर्ट और कंटेम्प्रेरी आर्ट क्या चीज है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुब्रत मंडल सर को जो सर आप हम लोगों को बताएंगे जो फोक आर्ट ट्रेडिशनल आर्ट और कंटेम्प्रेरी आर्ट क्या चीज होता है। बहुत दीर्घ या बहुत लंबा चर्चा हो सकता है लेकिन इतना समय शायद नहीं है। मोटे तौर पे हम सभी जानते हैं फोक आर्ट और ट्रेडिशनल या तो मॉडर्न कंटेम्पररी सभी का लगभग थोड़ी बहुत सभी की नॉलेज है, मैं ये मानता हूँ। फिर भी अगर ऐसी चर्चा की खातिर रखना चाहिए बेसिकली लोक कला या फोक आर्ट जिसे कह रहे हैं शायद हम लोगों की खून में ही है, या तो हम जो छोटे ज्वेल्स होता है या तो हमारे छोटे छोटे सिबल्स होते हैं डेकोरेट करने के लिए, या तो कोई आप कहो कि जिसे कहते हैं सुकून अपसकून है ना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे संस्कार हैं, इन सब चीज़ों को रखते हुए कुछ कुछ चीज़ें हम लोग अप्लाई करते हैं या तो रखते जो हमें रखना पड़ता है सोसाइटी या कल्चर जिस हुआ है जो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है कह सकते थोड़ी बहुत उसमें टच कह सकते हैं ऐसे फोक। लेकिन कुछ कला है जो हमारे विरासत में मिले हैं, हमारे हमारे से मिले हैं और वह रहता है अर्थात फादर से फादर से
रिकॉर्ड जो एक शिल्प कला कला की एक धारा चलता है, बेसिकली हम लोग मोटे तौर पे उनको ट्रेडिशन कहते हैं। लेकिन जब एनलाइटमेंट की बात आती है, जब प्रोपन की बात करें, जब हम द्वारा प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं, और जब हम व्हाट इज आर्ट ये भी कहते हैं कि सी देन लर्न देन हाउ टू अंडरस्टैंड एन ऑब्जेक्ट, ये सब बातें जब आ जाए तो एक एकेडमिक प्रोसेस शुरू हो जाता है। और प्रोसेस में हम लोग जब आर्ट को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो वहाँ पे ये दावी भी करते हैं जो स्पेक्टेटर हैं, जो दर्शक हैं, उतना ही इंटेलेक्ट रखे जी। आर्टिस्ट ने जब बनाया, उनका जो इंटेलेक्ट है उनकी बढ़ा होनी चाहिए। बहुत सारी बातें इसमें आ जाते हैं, उनका मूवमेंट आता है, रोगी मूवमेंट आता है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि मॉडर्निज्म शब्द ठीक उस जगह पे जाती हैं जहाँ पे हम ये फोक या टट इन सब की एलिमेंट्स या तो एकदम ट्राइबल आर्ट की जो एलिमेंट्स को फिर प्योरीफाई करके हाउ टू सी देखना और तकना कोई चीज है तो फिर अंडरस्टैंड भी करते हैं। और जब अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारी जो स्किल जो हम डेवलप करते हैं उस स्किल में डेवलप बाद हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं फिर हाउ टू ड्रॉ भी करते हैं। तो वहाँ पे प्योरीफिकेशन होता है। वो जो प्योरीफिकेशन है, ये धारा, ये रस धीरे धीरे हमें मॉडर्निटी की तरफ ले गए, जहाँ खासतौर से बोदलियार हो या एमिली जोला हो या तो चरेचर बोल या तो उस कल्चर है उस कल्चर में वो प्योर की बात आ रही है। और वो प्योरीफिक होते कैसी धारा तैयार हुई है, जहाँ हम लोग दोबारा डिस्कवर कर रहे हैं और ट्रूथ की सर्च जब शर्त हुई है तो यह इसके बाद हम देखते हैं कि पर्टिकुलर इकोनॉमिकल सिचुएशन जहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस बिलोंग करता है तो उनकी सराउंडिंग्स या तो एनवायरमेंट उनको क्या देते हैं, उनके बारे में वो क्या सोचते, मेटेरियल पॉसिबिलिटी कितना, मेटेरियल लैंग्वेज क्या होना चाहिए, क्या होता है मेटेरियल लैंग्वेज, इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या बोलते हैं, तो कॉन्शसनेस है, ये कॉन्शसनेस धीरे करता है कंटेम्प्रेरी सिनेरियो। हम चर्चा थोड़ा बहुत ये इतना ज़्यादा है और बहुत जटिल भी है, जो बिगिनर्स हैं या तो जो इस फील्ड से थोड़ा बहुत नहीं है तो उनके लिए थोड़ा जटेगा और ये चर्चा करने का इतने कम समय में संभव नहीं है। इतना हम दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। शुभंकर जी, शुभंकर जी आपकी आवाज नहीं है, साउंड नहीं। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? अब आ गया आया। ओके, थैंक यू सर। सर ने हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बहुत शॉर्ट टाइम में बताया जो ट्रेडिशनल आर्ट, फोक आर्ट और कंटेम्प्रेरी आर्ट क्या चीज होता है। तो इसके बाद हम लोग सर कल्लन जोशी सर के पास हम लोग जाएंगे और उनसे हम लोग ये जानेंगे जो फार पेंटिंग, जो फार चित्रकला है, राजस्थान की ट्रेडिशनल चित्रकला, जो परंपरा में चीज बहुत पुराना टाइम से अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। तो सर आप बताएंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, कैसे इसका टेक्निक है, क्या क्या कलर इसमें यूज होता है, इसका फॉर्म क्या है, इसके बारे में अगर आप हम लोगों को कुछ बताएंगे। नमस्कार। फर पेंटिंग जो है तकरीबन 700 सालों से पूर्व की शैली है जो मेवाड़ स्कूल में आती है और यह मेरे परिवार में कई सवाल है। और क्या आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर,
यस, तो मेरे परिवार में कई पीढ़ियों से ये कला चली आ रही है और मैंने मेरे पिताजी से ये काम सीखा था, मेरे पिताजी ने उनके पिताजी से सीखा है, इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और मैं 30वीं पीढ़ी के रूप में इस काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे बच्चे भी इस काम को कर रहे हैं। फड जो कि एक नैरेटिव आर्ट है जो कहानी चित्रों के ऊपर आधारित है, राजस्थान की लोक गाथाओं के ऊपर बनाई जाने वाली ये कला एक बड़े कपड़े के ऊपर बनाई जाती है, जिस कपड़े को हम खुद तैयार करते हैं, सूती कपड़ा होता है हाथ का बुना हुआ, उसको हम मैदा का स्टार्च लगाते हैं, स्टार्च लगा के उसको स्ट्रेच करके सुखा देते हैं, सूखने के पश्चात उसकी बर्निशिंग होती है, गुटाई होती है अच्छे से, फिर इसके ऊपर मिनरल कलर से पेंट किया जाता है जो कि पिगमेंट्स होते हैं, वो पहाड़ों से खनिज से निकलता है और उनको हम लोग पीस करके छान के गोट करके अच्छे से, और इसका मीडियम होता है गम अरबिक, गोंद के साथ मिक्स करके फिर हम लोग अप्लाई करते हैं। ये कलर बहुत पुराने कलर होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कई पैलेस में या दीवारों के ऊपर अजंता की गुफाओं में जो मिनरल कलर से पेंटिंग की, वो इन्हीं रंगों से खनिज रंगों के द्वारा ही की गई है, इसीलिए आज भी वो सुरक्षित है। वही कलर हम लोग हमारी इस पेंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। फड़ जो कि राजस्थान की लोक गाथाओं के ऊपर आधारित है, जो यहाँ के प्रमुख लोक देवी देवता जो हुए थे, बाबू जी है, देवनारायण, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी इत्यादि कई लोक देव देवता राजस्थान में हुए हैं, जो अलग अलग भागों से वो रिप्रेजेंट करते हैं और अलग अलग जातियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग समुदाय के लोगों को। तो इसकी बहुत पुरानी परंपरा रही है कि बोपा जाति के लोग हमसे फड़ बनवा करके लेके जाते थे और गांव गांव में जा कर के इसकी कहानी को गा करके सुनाते थे, जिससे लोगों का मनोरंजन भी होता था और लोगों को एक मैसेज भी जाता था कि किस तरह बाबू जी ने, देवनारायण जी ने लोक जन कल्याण के लिए अच्छे काम किए थे, इसलिए आज ये देवता के रूप में जाने जाते हैं और इसकी गाथा गा करके सुनाई जा रही है। फड़ शैली जो एक मेवाड़ की प्रमुख लोक शैली है, इसमें सारे प्रोफाइल फेस ही बनाए जाते हैं, जो कि एक चश्मी आँख बोलते हैं उसको, एक तरफ देखते हुए, क्योंकि कहानी के ऊपर बेस्ड होती है ये कला और एक दूसरे के साथ हर फिगर इंटरेक्शन करते हुए होता है, इसीलिए इसमें प्रोफाइल फेस बनाने की परंपरा रही है। इस पेंटिंग के अंदर जो रंगों का भी एक हमारा एक क्रम होता है, एक सीरियल होता है पूरा, जो सीरियल को हमें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि एक 20 फीट लंबा जो फड़ है उसमें तकरीबन 2000 के आसपास फिगर होते हैं, हाथी, घोड़े, ऊंट, जानवर, कई तरह के एनिमल्स होते हैं, नदी, तालाब, बावड़ी, बिल्डिंग, पेड़ पौधे, सभी तरह के चीज़ें होती है, तो उसमें कोई कलर हमसे छूट न जाए, तो इसलिए इसमें एक रंगों को फॉलो करना पड़ता है हमें, एक बार में एक कलर को ही हम फिनिश करते हैं पूरा, पूरी पेंटिंग में। जैसे हमने ऑरेंज कलर लगाना शुरू किया तो एक बार में ऑरेंज कलर को पूरा कंप्लीट फिनिश करेंगे, उसके बाद ही दूसरा कलर इस्तेमाल किया जाएगा, फिर दूसरा कलर येलो होता है, येलो के बाद ग्रीन, ब्राउन, रेड, ये रंगों का एक क्रम बना हुआ है, सबसे आखिर में हम लोग उसमें ब्लैक आउटलाइन करते हैं, जिसको खुलाई करना बोलते हैं, जिससे आउटलाइन आँख, नाक वगैरह सारा क्लियर होता जाता है, हाथों की उंगलियाँ वगैरह, ड्रेस के कॉस्ट्यूम्स के डिजाइन, उनकी सलवटें, वो सारी चीज़ें वो आउटलाइन से ही क्लियर होती है। और मेन कैरेक्टर जो होते हैं, जैसे बाबू जी या देवनारायण जो एकदम सेंटर में बनाए जाते हैं, उनकी आँख जो है हम लोग सबसे आखिरी में बनाते हैं, पूरी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही हम उसके अंदर आँख बनाते हैं, क्यों कि ये जन आस्था से जुड़ी हुई एक पेंटिंग होती है, इसको लोग पूजा के लिए भी काम में लेते हैं। जब हम आँख बनाते हैं तो एक तरह से उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, यानी कि उसमें जीवन आ जाता है, तो उसके ऊपर हम लोग पेंटिंग फिर नहीं कर सकते हैं, इसलिए आँख बनाने के बाद वो पेंटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। ये इस तरह से इसका सारा प्रोसीजर है। हेलो हेलो हेलो, यस, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, श्रीमती जी आपकी आवाज़ हाँ आ रही है।
मैं आप वीरेंद्र बानू सर जो है उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जो सर आप जो बहुत सालों से मिनिएचर पेंटिंग जो राजस्थान के लिए जो हमारे आर्ट की फील्ड में जो लोग हैं ये राजस्थान की मिनिएचर पेंटिंग से नाम से ही जाना जाता है, तो आप आपकी इस मिनिएचर पेंटिंग के बारे में आप बताएंगे जो मिनिएचर पेंटिंग कहाँ से शुरू हुआ है, इसमें हम लोग किस तरीके से रंग यूज करते हैं, किस तरीके से हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को प्लीज बताइए। नमस्कार सर, मैं मिनिएचर पर बोलना चाहता हूँ कि मिनिएचर पेंटिंग जैसे हम लोग बोलते हैं तो मिनिएचर एक्चुअल में पेंटिंग नहीं है, मिनिएचर एक फॉर्मेट है कि इसको छोटा बनाते हैं अपन, लघु बनाते हैं, तो लघु का मतलब होता है मिनिएचर। तो चाहे पेंटिंग आपकी 6 फीट की होगी लेकिन वो मिनिएचर होगी, तो मिनिएचर क्यों होगी, क्योंकि उसमें वो काम की इंट्रिकेसी बढ़ जाती है, तो बहुत इंट्रिकेट वर्क होता है, बहुत बारीक काम होता है और बहुत छोटे फिगर्स होते हैं, तो इसलिए उसको मिनिएचर बोला जाता है। और ये हमारी बहुत लंबी परंपरा है मिनिएचर, ये में ढल गई बाद में, ये अजंता से चालू हुआ हमारा, तो अजंता में तो वॉल पर बनी, तो वॉल से फिर ये धीरे धीरे हमें जैसे जैन जैन ग्रंथ हुए या बौद्ध ग्रंथ हुए और भी जो ग्रंथ थे, तो उसमें एज अ इलस्ट्रेशन, उन किताबों में इलस्ट्रेशन बनते थे, जो जनरल आदमी को पढ़ते पढ़ते अगर वो इलस्ट्रेशन भी देखें तो उनको वो समझ आए कि हाँ ये इस बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर ये पोथी से निकलकर धीरे धीरे जब राजाओं का शासन हुआ तो फिर वो पोथी से निकलकर फिर वो सिंगल पन्नों पर बनने लगे, पेपर पर बनने लगे, वो बनते थे कि जिसमें फिर राजा जो होते थे वो ही उसके पैटर्न्स होते थे, राजाओं को आश्रय, राजा लोग ही आश्रय देते थे आर्टिस्टों को, तो इसलिए फिर वो उन्हीं के जो सब्जेक्ट होते थे, दरबार के चित्र हो गए, राजा का रानी का व्यक्ति चित्र हो गया, कोई बाघ का चित्र हो गया, कोई लड़ाई का चित्र हो गया, कोई इनका हंटिंग सीन हो गए, शिकार का चित्र हुआ, इस तरह के ही चित्र अधिकतर बनते थे, क्योंकि वो दरबार में रहकर बनाते थे, चित्रकार दरबारी चित्रकार होते थे, दरबार में ही रहकर बनाते थे, ये इस तरह निकल कर हमारा आया। फिर अंग्रेजों ने इसे इसको मिनिएचर का नाम दिया, क्योंकि ये लोग इनेमल पर वहां पर मिनिएचर होती थी वेस्ट में, तो उन्होंने इसको इस पेंटिंग को जनरली एक कैटेगरी में डालने के लिए, इसको एक कैटेगरी बनाने के लिए इसको मिनिएचर पेंटिंग का नाम दे दिया गया। इस तरह ये मिनिएचर स्टार्ट हुआ। और मैं मिनिएचर करते हुए मैं 7वीं पीढ़ी पर हूँ, मेरे जो भी परदादा थे और जो भी फोरफादर्स थे वो यहाँ पर जयपुर दरबार में चित्रकार रहे, और जब जयपुर बसा था तो हमारे यहाँ पर क्या परंपरा रही कि जो भी बढ़िया काम करने वाले हैं, कोई पीतल का काम बढ़िया करता है उसको वहां से लेकर आया के यहाँ पर जयपुर में बसाया गया, कोई बहुत अच्छा लाख का काम करता है, कोई पॉटरी का काम अच्छा करता है, तो उसको अलग अलग जगहों से लाकर यहाँ पर जयपुर में बसाया गया। और ये हमको यहाँ पर 8-10 परिवारों को लाए, मुसाविर बोलते थे इनको, तो मुसाविर का मतलब होता है चित्रकार उर्दू में, यहाँ पर जो बोलचाल की भाषा थी राजस्थान में जयपुर में, तो जयपुर के जो शासक थे, जयपुर के जो राजा थे, तो वो लोग मुगल दरबार से ज्यादा उनका तारतम्य था, तो इसका एक मुसाविर इनको नाम दिया। और हम लोग जहाँ अभी रह रहे हैं ये मुसाविरों की गली कहलाती है, मतलब जहाँ पर चित्रकार रहते हों, तो ये उन्होंने हमें मकान भी उन्होंने दिया, मैं अभी भी वहीं से बोल रहा हूँ आपके सामने, 7वीं पीढ़ी पर हूँ मैं, और इस तरह ये हमें मिनिएचर मिली। मैं हमें फिर फादर ने पढ़ाया लिखाया, उनकी इच्छा थी कि हम लोग कोई डिग्री भी लें, तो मैंने इसमें मास्टर्स किया, और मास्टर्स करने के दौरान मुझे पता लगा कि ऑयल में भी काम होता है और इस तरह काम होता है कि इसको 3D भी बना सकते हैं। मेरी घर पर जो भी शिक्षा दीक्षा थी, वो शिक्षा दीक्षा थी हमारी कैसे कलर भरते हैं, कैसे ट्रेस बनाते हैं, कैसे उसको छापते हैं, एक वसली क्या होती है, और जो हमारे ट्रेडिशनल कलर्स क्या होते हैं, ट्रेडिशनल कलर्स को अप्लाई कैसे किया जाता है, हर कलर को आप जैसे डब्बे खोला, आज हम देखते हैं कि कैमल का एक कलर की डिब्बी ले आओ, आप खोलो डायरेक्ट उसको अप्लाई करते हैं, ऐसा अपने ट्रेडिशनल कलर्स के साथ नहीं है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है। और इसमें बहुत से कलर्स हैं जो हमारे ट्रेडिशनल उसमें खनिज से निकलते हैं, जो मिनरल कलर्स कहलाते हैं, कुछ हमें जैसे नील वगैरह है ये हमें खेती से मिलती है जो ऑर्गेनिक होते हैं, और कुछ हमें इसमें प्रोसेस करके बनाने पड़ते हैं। इसमें सबसे जो खास
रंग है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, उसका नाम है गोगोली। तो ये कृष्ण के लिए यूज किया गया था और ये इतना बढ़िया कलर है और इतना रेयर कलर है कि अब तो शायद इसकी बनाने की टेक्निक भी नहीं है हमारे पास। तो कोई आप किसी भी पुरानी पेंटिंग पर अगर यूवी लाइट डालेंगे तो वो गोगली कलर अलग ही चमकेगा, बिल्कुल फ्लोरोसेंट हो जाता है। तो उससे ये पता लगता है कि ये पेंटिंग ऑथेंटिक है, मतलब रियल है। गोगली के अलावा कोई ऐसा कलर नहीं है, गोल्ड भी गोगली के सामने फीका पड़ जाता है। तो गोगली इसमें हमारे जो राजस्थान की जो चित्रकला परंपरा रही नाथद्वारा में और इधर जयपुर में, राजस्थान में किशनगढ़ में और बाहर की तरफ देखे तो पहाड़ी चित्रकला, उसमें गोगली का काफी यूज किया गया। और ये मेनली तो कृष्ण के लिए यूज किया गया, कृष्ण को पीला कलर बहुत पसंद था। तो ये हमारी गाय से मिलता है, हमें गाय को आम खिलाते हैं और उस तरह ये प्रोसेस किया जाता है। सर आपको थोड़ा सा रुकूंगा, बिल्कुल जो बता रहे थे इसके बारे में, अगर कोई पेंटिंग आपके पास है तो हम लोग वो पेंटिंग उनको दिखा सकते, जो आप कलर के बारे में बात कर रहे हैं या जो आपने सब्जेक्ट मैटर या जिस कलर के बारे में बात कर रहे हैं। ये आप देखें, आपको पेंटिंग दिख रही है तो इसमें बैकग्राउंड में है पीला कलर है। तो ये पेंटिंग तो अभी बनाया है, नया ही है, इसमें बैकग्राउंड में गोगुली ही है आ रहा है पीछे की तरफ, टू साधुज के नाम से है ये। जी बन्नू जी, बहुत सुंदर। तो ये बहुत ब्राइट ब्राइट येलो होता है वैसे। तो ये इसमें हमें लैपटॉप पर इंटरनेट पर देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसको कभी आप प्रैक्टिकल देखें तो मैं इसको यूवी लाइट से आपको दिखाऊंगा तो ये एकदम फ्लोरोसेंट हो जाएगा आपका और बाकी सब कलर डल हो जाएंगे। तो सर ये नेचुरल कलर है। शुभांकर जी, हाँ मैं पूछ रहा था सर, ये आपने जो अभी पेंटिंग दिखाया ये पूरा नेचुरल कलर है ना? नेचुरल कलर्स होता है मेरे पास, नेचुरल कलर है, नेचुरल ही पेपर है, जो हैंडमेड पेपर होता है वही हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे दादा परदादा और उनके भी जाने कितने फादर्स का उनका कलेक्शन है। तो इसमें सबसे पहली जो पेंटिंग बनाने आप बैठते हैं तो सबसे पहली चॉइस होती है कि आपने पेपर क्या चूज किया है। अगर आपने आपको पेपर चूज करना नहीं आता तो यू आर नॉट अ मिनिएचर आर्टिस्ट, यू आर नॉट अ ट्रेडिशनल आर्टिस्ट, आपको पेपर का ही पता नहीं है। यहाँ पर आर्टिस्ट हैं वो लोग पेपर भी उल्टा और सीधा होता है, इसमें सीधा पेपर किधर से है ये पहचानना मुश्किल है अभी। शुभांकर जी, हमारे जो वरिष्ठ कलाकार हैं ट्रेडिशनल आर्ट से जुड़े हुए, बन्नू जी और जोशी जी ने भी जो ट्रेडिशनल आर्ट की सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन हैं, उनकी क्या प्रेरणा, किन जन आस्था के विषय हैं, रिलीजियस टॉपिक्स हैं या जो वीर गाथाएं हैं उनके बारे में बात की, और बहुत इम्पोर्टेंट जो मीडिया यूज कर रहे हैं वो, चाहे वो पेपर हो चाहे ये सिंपल पेंट्स हो, हैंडमेड जो ऑर्गेनिक पेंट्स हैं वो, और कुछ थोड़ा बहुत आर्टिस्टिक टेक्निक्स के भी हमें जानकारी मिली है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि आपने बातचीत बढ़ाते हुए जो ये ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं इनकी राजस्थान में इनका क्या इतिहास रहा है, और थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें, उससे आगे निकल के आज कंटेम्प्रेरी फॉर्म में ये ट्रेडिशनल आर्ट कैसे आ गए हैं, तो इस को आगे बढ़ाते हुए आप चर्चा करें। बिल्कुल, तो सबसे पहले एक चीज बोलूंगा, जो ट्रेडिशनल आर्ट, कोई भी आर्ट बोलिए, कोई भी आर्ट लीजिए, चाहे कंटेम्प्रेरी बोलिए, ट्रेडिशनल बोलिए, कोई भी आर्ट बोलिए, सारे आर्ट की जो रूट है ये ट्रेडिशनल आर्ट ही है। जैसे मैं कंटेम्प्रेरी आर्ट को लेके प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कंटेम्प्रेरी आर्ट मतलब जो वर्तमान समय में जो हम लोग जो चीज हमारे आसपास एरिया में देख रहे हैं, हमारे जो नया टेक्निक हम लोग सीख रहे हैं, ये सारी चीज मिक्स करके हम लोग जो नया एक्सपेरिमेंट के साथ जो नया कुछ कर रहे हैं, है ना, तो इसका अगर रूट है तो रूट ट्रेडिशनल आर्ट ही इसका रूट है, क्योंकि उससे आगे चल के हम लोग नया कुछ नहीं किया। हाँ, हम लोग उसी चीज से काफी सारा चीज सीखा, सीख के उसी चीज को अपने हिसाब से नया जो टेक्निक है, अलग अलग जो टेक्निक है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा अलग कुछ करने की कोशिश किया। तो जैसे मेरे पीछे एक देवी सरस्वती का पेंटिंग है, तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक मैं मेरा कॉलेज में, मेरा गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में टेक्निक मैंने सीखा था, ये ऑयल एंड कैनवास से, ये 19th सेंचुरी का एक टेक्निक जो परंपरा में मैंने चीज सीखा, बट
एक चीज को ध्यान में रखना होगा, हाँ, ये पेंटिंग ये टेक्निक तो हम लोग सीखे, जब पेंटिंग के बाद आता है तो पेंटिंग टेक्निक के ऊपर बेस करके नहीं होता है। पेंटिंग एक इमोशन है, पेंटिंग एक भाव है, और भाव आता है हमारे आसपास के एरिया में, जहां से मैंने शुरू किया, जो चीज मैं देख रहा हूँ उसी से भाव आता है। अगर वही चीज बोलूं तो सबसे पहले शुरू हो जाता है हमारे जो ट्रेडिशनल चीज है। तो जब मैं बंगाल में था तब तो मेरा जो पेंटिंग था उसका सब्जेक्ट मैटर, उसका कलर, वो उसकी जैसे ही था। लास्ट 9 साल से मैं जयपुर में हूँ, तो यहाँ का जो कल्चर, यहाँ का जो कलर, जयपुर बहुत, जयपुर नहीं गोटा राजस्थान बहुत कलरफुल है। तो मेरे पेंटिंग में मैंने ये चीज खुद देखा, जो पेंटिंग के अंदर बहुत ब्राइट कलर यूज होने लग गए, है ना, मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ वो यहाँ का जो लोकल जो गॉड मैं देखता हूँ, जैसे गणेश जी है या कोई भी हनुमान जी है ना, जैसे एक पत्थर को रेड या ऑरेंज कलर का सिंदूर लगा के उसमें सिल्वर कलर का आंख, जो हम लोग एकदम फोक फॉर्म में, एकदम सिंपल फॉर्म में देखते हैं। तो जब मैं पेंटिंग करता था इससे पहले, तो पेंटिंग में मैंने देखा, जो मैं कोई एक, जैसे रिसेंटली मैं पेंटिंग कर रहा हूँ इंडियन माइथोलॉजी सब्जेक्ट मैटर को लेके, तो पहले जब मैं पेंटिंग करता था यूरोपियन टेक्निक के हिसाब से पेंटिंग बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होता था, तो पेंटिंग के जो भाव है वो भाव कहीं ना कहीं जगह पे कम हो जाता था। बट जब यहाँ पे मैंने ये ट्रेडिशनल आर्ट देखा, ये जो मैं गॉड की बात कर रहा हूँ, हाँ, एक पत्थर दूसरों के नजर में वो पहले एक पत्थर ही था, लेकिन जब उसमें एक सिल्वर कलर का उसमें जब सिंदूर आ गए, वो जो ऑरेंज कलर का सिंदूर, तो पत्थर एक गॉड बन गए, है ना। तो गॉड के लिए एक ऐसे एक रियलिस्टिक फॉर्म होना जरूरी नहीं है, उसका भाव होना जरूरी है। तो धीरे धीरे मेरे पेंटिंग में ये भाव आने लग गए। तो मेरे पेंटिंग में ये जो रेड कलर, ये जो ऑरेंज कलर, ये जो आईज, कई बार मेरे पेंटिंग में मैंने यूज किया, इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ है। तो मुझे लगता है जो एक रिच कल्चर है, ये जो राजस्थान का एक ट्रेडिशनल, ये जो फोक आर्ट है, इसे हम लोग को बहुत कुछ हम लोगों को मिल सकता है। और अगर इस चीज को हम लोग ले सकते हैं तो हम लोग कंट्री लेवल पे जो चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं ये और भी समृद्ध हो सकता है। तो मैं सुब्रत मंडल सर के साथ थोड़ी दिन पहले डिस्कस कर रहा था, सर का ये जो शेखावटी की जो हवेली पे जो फ्रेस्को पेंटिंग है, इस पेंटिंग के भी सर का काफी अच्छा रिसर्च था, काफी अच्छा स्टडी था, और इस चीज के ऊपर बेस करके सुब्रत मंडल सर ने काफी पेंटिंग बनाया। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा, सर अगर आप इस पेंटिंग सीरीज को लेके, या कैसे आप उस हवेली की जो फ्रेस्को है उसे आप इंस्पायर्ड होके, आपका जो स्टाइल है, उस स्टाइल में कैसे आप उस चीज को दिखाया, आप अगर डिस्कस करेंगे तो हम लोगों को बहुत सारी चीज पता चलेगा। मैं पहले थोड़ा पेंटिंग आप सबको दिखा दूं मेरा, तो पेंटिंग आप सब देख पा रहे हैं, है ना। एक तो ये दिखाई दे रहा है ना पेंटिंग? जी जी सर, नेक्स्ट डेट आ रही है। सुब्रतो सर का वीडियो शायद ऑफ हो गया। ठीक है, स्टे सॉफ्ट कर दे। थर्ड डेट आ रही है। ठीक है, तो मैं वहाँ से शुरू करूँ।
कि बीरेन जी ने एक कलर का नाम बताया, मैं सॉरी मैं भूल गया हूँ, जो येलो कलर बहुत ब्राइट गोगोली ब्राइटनेस गोगोली है ना, तो मैं पेंटिंग में जब वो कलर देखा तो मुझे वो कलर लगाना आता ही नहीं है, उसके वो स्किल जानता ही नहीं हूँ, और ये गोगोली नाम भी नहीं बार सुना है, लेकिन उस कलर को मुझे चाहिए, उस कलर को चाहिए। तो मैं पहला जो पेंटिंग आपको दिखाया, मैं वो कलर लाने के लिए, हाँ क्या हुआ कि मैं प्रिंट मेकिंग की स्टूडेंट होने के दुनिया भर की टेक्निक मेरे दिमाग में हमेशा भीड़ जमा रहता है उनकी, तो मैं कुछ कुछ टेक्निक्स के मिक्स वो कलर एसेंस लाने की चेष्टा की। ठीक है फिर सेकंड जो अपने देखने गए उसमें क्या है कि क्या मुगल पेंटिंग में आप देखोगे मुगल पेंटिंग इतनी जवाब है अब कि आपको लगेगा कि ये तो कोई एक मार्बल एक ट्रांसपेरेंट मार्बल के ऊपर पेंटिंग किया गया है, या तो लगेगा कि की ऊपर पे गया, नीचे से कोई एक लाइट आ रही है, इतनी ट्रांसपेरेंट कलर और इतनी एलिगेंट इतनी सॉफ्टेड होता है। मैं जो ग्रीन कलर की पेंटिंग दिखाया, मैंने कोशिश की वो कलर की एसेंस की जो ट्रांसपेरेंट टेम्परा हो लेकिन बहुत ट्रांसपेरेंट हर टेम्परा इंडियन पेंटिंग, जैसे बीरेन जी ने कहा बात सही है कि ये मिनिएचर तो एक फॉर्मेट है, सही है, ये जो ट्रांसपेरेंट कलर की ट्रांसपेरेंसी मिनिएचर में जिस प्रकार लाया जाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी मेरी ये सीरीज है इस सीरीज में सारे कलर की ट्रांसपेरेंसी आए, तो इसमें काफ़ी सारे टेक्निकल प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है और टेम्पर एक ट्रांसपेरेंट एक जगह पर लाने की चेष्टा कर रहा हूँ जो कि मिनिएचर। और सेकेंड थिंग ये है कि जोशी जी आपकी फर में या तो फर पेंटिंग राजस्थान की फर पेंटिंग हो चाहे बंगाल की हो या पूरे इंडिया की फर पेंटिंग में जो एक रिचुअल एक प्रैक्टिस एक रेगुलर एक के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसमें क्या है कि मेन हीरो को बड़ा करते हैं, बाकी छोटे होते बहुत सारे कंपार्टमेंटल है, एक कंपार्टमेंट में एक रहता है, जैसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हो शायद बाबूजी हो देवनारायण जी हो जो भी लोकल गॉड हीरो हो उनको तो बड़ा रखते हैं बाकी और उनके साथ जो लोकल स्टोरी जैसे आपने कहा कि ऊँट और बहुत सारे एनिमल्स और आसपास की सराउंडिंग्स को कंपार्टमेंट में रखते हैं, तो मैं भी इनको रखने की चेष्टा करता हूँ। सोर्से 89 में मैं जब शेखावटी गया तो मेरा इतना सुंदर एक्सपीरियंस हुआ कि एक तो जैसलमेर में कुछ श्वेतांबर टेम्पल देख के वहाँ पे जब मूर्ति देखी तो उसकी जो शुभंकर जी जो कि एक मंदिर में अभी नहीं दिखता है, लगता है कि कोई एक टोपाज जैसा आँख और उसमें कोई हकीक लगा हुआ आई बॉल, तो एक इतनी लाजवाब एक ग्राफी वहाँ पे पड़े के सिला है जो राजस्थान की इसेंस मानता हूँ कि एक बैरन एरिया में अचानक एक साउंड है ना, तो ये जो एक एसेंस है ये जो सेंस शेखावटी में जाके देखा कि कितनी सिंपलिसिटी है कितनी फ्लैट हो सकता है कितनी सिंपल वे में बात हो सकता है, तो मैं अपनी पेंटिंग में ये सब लाने की चेष्टा की। और जितनी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड जो हम यूरोपियन आर्ट एजुकेशन में हम भर के भी कि भाई ये एक्सप्रेशनिज्म ये वो दुनिया भर की सेंसेशन इमोशन और ये सब बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपलिसिटी में बातें हो सकती है कितनी कम चीज़ों में कितनी ज़्यादा बातें हो सकती है, तो मैं अपने सारे काम में ये तो कोशिश की है। साथ में बहुत लंबा हो जाएगा ये, लेकिन बंगाल की जो फोक गाना है और बांग्ला सॉन्ग है टप्पा है इन सब एसेंस को भी इस पेंटिंग ओढ़ दिया है। वो कभी मौका मिले तो हम चर्चा लंबा कर सकते, थोड़ी एक दो पेंटिंग मैं और दिखा देता हूँ। ये मेरा एक एक्सपीरियंस तो मैं अपने वहाँ से ट्रेन से सफर करता था तो वर्धमान से जयपुर आ रहा, और ये सारे खड़े हैं
दिन की रात के अंधेरे में थोड़े थोड़े आग लाइट की तरह जलता रहता है और बहुत सारे लोग, बहुत भीड़, लेकिन एक प्रकार की एक मेलंकलिक एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता है। तो मैं फिर इस फॉर्मेट में ये रख और कुछ राजस्थान में आने के बाद यहाँ की शादी मैं पहली बार देखा और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो ये बहुत पुरानी पेंटिंग है, तो यहाँ पे हवेली में जो राधा कृष्ण की जो डांस है पूरे सर्किल में, उनको मैं यहाँ पे रखने की चेष्टा की। और नेक्स्ट टाइम एक मिर्च डेलाट दोपहर को मिर्च सेल कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि छोटे, एक तो मेन फिगर बड़ा है और छोटे छोटे पार्टमेंट में अलग अलग स्टोरीज को मैं रखता हूँ। थोड़ा आर्किटेक्टोनिक कैरेक्टर कह सकते हैं, थोड़ा सा म्यूरल जैसा कैरेक्टर कह सकते हैं। ठीक है शुभंकर जी, तो अब मैं करलन जैसी सर आपको मैं बोलूंगा, जो सर आप एक चीज बताएंगे जो पहले एक परंपरा के हिसाब से जो फार पेंटिंग एक टाइप का सब्जेक्ट मैटर एक टाइप का चीज होता था, बट अभी जैसे फार पेंटिंग में मैंने देखा सब्जेक्ट मैटर जो रिसेंटली जो चीज हमारे आसपास एरिया में हो रहा है, जो चीज हम लोग आसपास एरिया में देख रहे हैं, है ना, वो फार पेंटिंग में आ रहा है। तो किस तरीके से आप इस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो कंटेम्प्रेरी जो समाज है, जो हमारे आसपास एरिया में जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं, किस तरीके से आपके पेंटिंग में आ रहा है, आप एक बार बताएंगे आपके सब्जेक्ट में किस तरीके से वो चीज आ रहा है? यस यस, देखिए समय के हिसाब से हर चीज में कुछ न कुछ बदलाव होता रहा है, तो फड़ में भी समय के हिसाब से बदलाव हुआ है। जो फड़ पहले 20 से 30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी बनती थी, हमारे पिताजी ने उनको 5 फीट और 6 फीट में बनाना शुरू कर दिया था, 5 फीट 6 फीट 8 फीट, ताकि वो ड्राइंग रूम में और लोगों के घरों में आसानी से लग सके। और कहानियाँ भी बदली, पहले लोग देवी देवताओं की गाथाओं पर बनती थी, फिर ऐतिहासिक घटनाओं पर बनने लगी, और अब मैं लोक गाथाएं भी बनाता हूँ, ऐतिहासिक घटनाओं पे भी बनाता हूँ, और अभी समसामयिक घटनाओं के ऊपर भी काम करता हूँ। तो ये बदलाव है। इसके अलावा मैंने एक बहुत बड़ा बदलाव किया इस फड़ में। जो फड़ 20 से 30 फीट लंबी बनती थी, फिर 5 फीट 6 फीट बनने लगी, मैंने उन कहानियों में से सीन्स निकाल लिए। पहले एपिक्स महाकाव्य बनते थे, फिर कहानियां बनने लगी, फिर सीन्स बनने लगे, ताकि आम आदमी भी इसको ले सकता है और अपने घरों में लगा सकता है। जैसे दो फिगर की कोई पेंटिंग, ये दिख रही है आपको सर? थोड़ा ऊंचा कीजिए, हाँ आप देख रहे हैं सर। तो इसमें जैसे खाली मैंने सीन बताया है, कृष्ण गोपियों के मटके फोड़ रहे हैं जो माखन लेकर के जा रही है, तो मैंने खाली कहानी को रिप्रेजेंट नहीं करके सीन्स पे ले आया हूँ। और अभी के समय के हिसाब से जो अपने आसपास घटित होता है उसको बारीकी से देखता हूँ, समझता हूँ, फिर उनको मैं अपने चित्रों में डाल लेता हूँ। जैसे मैंने राजस्थान सरकार के आह्वान के ऊपर लोगों को चुनाव के अंदर मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मैंने कुछ पोस्टर बनाए थे, जो पूरे राजस्थान में सभी गांवों में सभी पंचायत समितियों में सभी हेडक्वार्टर्स पे वो बड़े बड़े फ्लैक्स के रूप में लगाए गए थे। उसमें मैंने ये मैसेज देने का प्रयास किया कि आदमी को वोट देना क्यों जरूरी है और अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उसमें इस तरह से दिखाया मैंने कि कुम्हार अपने घर पर बैठा हुआ काम कर रहा है और मटके बना रहा है, एक विकलांग आदमी अपने मतदान का प्रयोग करके लौट रहा है, जब उसको देखता है रास्ते उसके घर के बाहर से निकलता है तो उसको पूछता है कि तुमने वोट दिया? नहीं। अरे भाई मेरे जैसा आदमी जो अपने पांव से चल नहीं पाता है
मैं वोट दे करके आ रहा हूँ और तुम ये काम कर रहे हो, ये काम तो बाद में भी किया जा सकता है। तो इस तरह के कमेंट्स के साथ मैंने कई सारे पोस्टर्स बनाए जो लोगों को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे कई, जैसे स्कूल में पढ़ने वाली लड़की, वो अपना वोट दे करके आ रही है, खेत में महिलाएं काम कर रही है, घास काट रही है, कोई अनाज काट रही है, कुछ क्या काम कर रही है, तो वो उनका उनके संवाद दिखाया, उनको मैंने बोलते हुए बताया है कि भाई आपने अपने मताधिकार, आप पहले वोट दे करके आइए, ये काम तो कहीं भाग करके नहीं जा रहा है, आप बाद में भी कर सकते हैं। तो फर्ड जो कि पहले भी एक मैसेज देने का प्रयास करती थी और अभी भी एक मैसेज देती है, ऐसे ही मैंने शेखावटी के अंचल में एक गांव है चिड़ावा, चिड़ावा क्षेत्र के आसपास का वाटर लेवल, जमीन का वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया, तो वहाँ का डालमिया फाउंडेशन, एक जो डालमिया जो इंडिया की एक इंडस्ट्रियल फैमिली है, वो वहीं के रहने वाले हैं, तो उन्होंने पानी को बचाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए हमसे कांटेक्ट किया और बताया कि भाई आपको इसके लिए कुछ चित्र बनाने हैं, तो लोगों को इजीली आप अपनी कहानी के मार्फत से कैसे समझा सकते हैं। और फड़ बांचने वाले बोपे भी शेखावटी अंचल से ही आते हैं और शेखावटी की एक अपनी अलग है आर्ट स्कूल है। तो हमने इसके साथ एक NID में प्रोफेसर है नीना सबनानी, उसके साथ मिलकर हमने ये प्रोजेक्ट किया था। और पहले तो हमने कई बार वहाँ पे रेकी करी, हम लोग गए शेखावटी के चित्रों को देखा नज़दीक से किस तरह से, क्योंकि हमें वहाँ के लोगों को अवेयर करना था, वहाँ के लोगों को सिखाना था कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है। तो वहाँ की चित्र शैली के साथ को अपनी फड़ के साथ मिश्रित करके लोगों को कहानी के रूप में बताना था कि कैसे आप पानी को बचा सकते हैं, अगर नहीं बचाएंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, और बचाएंगे तो आने वाला समय आपका कितना अच्छा होगा। तो इस तरह से मैंने ये चित्र बनाया है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा, इसमें इसको सीधा करें। हाँ, यस, बहुत सुंदर है कल्याण जोशी जी। शुभांकर जी की जो बात है उससे ये निकल के आया था कि कला जो है वो समाज का ही प्रतिबिंब होती है। जैसे बंगाली बैकग्राउंड होने पर भी राजस्थान के रंगों से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और देश काल भौगोलिक परिस्थितियां सब हमारी कला पे प्रभाव डालती हैं। और ये कल्याण जोशी जी के चित्र में हम देख रहे हैं कि इट्स अ म्यूचुअल प्रोसेस, कला समाज पे और समाज कला पे प्रभाव डालता है। तो इसी क्रम को आगे ले जाते हुए मैं वीरेन बन्नू जी से बात करूंगी कि वे भी अपने जो ट्रेडिशनल आर्ट में उन्होंने उसमें किस तरह से कंटेम्प्रेरी थीम्स को उपयोग में लिया है, कंटेम्प्रेरी थीम्स को उपयोग में लेके उन्होंने एक मॉडर्न नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की है। जोशी जी शुक्रिया, मैं अब वीरेन बन्नू जी को अनुरोध करूंगी कि वे आगे इस चर्चा को बढ़ाएं। बिल्कुल साहब, हम लोग क्या करते हैं कि आर्टिस्ट सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, आर्टिस्ट तो, और आर्टिस्ट ऑब्जर्व करता रहता है जो भी समाज में घटनाएं घटती है, तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है पेंटिंग के थ्रू, वो उसमें कुछ ना कुछ उसका हिस्सा आना जरूरी है। लेकिन हम इसको एज अ टेक्निक भी इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि परंपरा के नाम पर हम लोग कॉपी ही नहीं करेंगे, राजा रानी के चित्र नहीं बनाएंगे, हम दरबार के चित्र नहीं बनाएंगे, वो तो पानी रुका हुआ होता है, पानी सड़ जाता है, तो पानी को लगातार बहते रहना चाहिए। और फिर प्लस मैंने अपनी तरफ से क्या इनपुट दिया उस परंपरा में, तो मैंने इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए टेक्निक वाइज और सब्जेक्ट वाइज, तो खैर होगा ही होगा क्योंकि हम आज बना रहे हैं तो वो कंटेम्प्रेरी हो गया, उस समय जो उन्होंने बनाया था वो उस समय का कंटेम्प्रेरी था, हम लोग जो आज बना रहे हैं वो आज का कंटेम्प्रेरी हम बनाएंगे तो वो आज का जो समाज होगा वही बनाएंगे। मैं आपको दो चार चित्र उसमें दिखाता हूँ जिसमें हमने टेक्निक पे भी एक्सपेरिमेंट किया है, सब्जेक्ट वाइज भी एक्सपेरिमेंट किया है, कंपोजिशन वाइज भी उसमें एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सुंदर, जैसे ये देखें आप चित्र, तो इसमें टू जनरेशंस का आपको दिखाई देगा, नई जनरेशंस भी है लेकिन वो उसमें नई जनरेशन में हिचकिचाट है कि मैं पुरानी को कहां तक और कैसे एक्सेप्ट करूं, कैसे अपने ऑब्जर्वेशन में लाऊं और कैसे सामने आना है। ये जो
पीढ़ी है, दो पीढ़ियों का इसमें स्ट्रगल दिख रहा है। तो ये इसमें कंपोजिशन वाइज एक एक्सपेरिमेंट है, फॉर्मेट मिनिएचर का है, इसमें टेक्निक मिनिएचर है और इसमें केवल कंपोजिशन मॉडर्न है, इसमें आपका पहनावा मॉडर्न कर दिया है थोड़ा और इसमें मॉडर्न तरीके से इसको कंपोज किया, बैलेंस किया, कलर्स का बैलेंस कैसे होता है इसमें, स्पेस का बैलेंस कैसे हो रहा है, तो ये हमारा मॉडर्न कंपोजिशन है। ये देखें आप पेंटिंग, इसमें मिनिएचर है लेकिन ये बिल्कुल कंटेम्परेरी मिनिएचर है और ये स्कूल वाइज है, हमारा बूंदी स्कूल का इसमें बैकग्राउंड दिया हुआ है, बूंदी शैली की पेंटिंग है ये, इसमें लाल कलर का स्कूटर खड़ा है, वो स्कूटर वहां खड़ा है जहां नो पार्किंग है और जहां सबसे ज्यादा गंदगी है वहां पर लिखा है कृपया गंदगी ना करें। ये हमारा मानसिक इसमें स्तर दिखाता है इसका, ये समाज के प्रति हमारा ये कटाक्ष है कि ये आप जो कर रहे हैं वो ही सही नहीं है, मेरा स्कूटर है वो सबसे अच्छा है, मेरा उसको सेफ जगह खड़ा होना चाहिए, चाहे वहाँ पार्किंग है या नहीं है, मुझे मेरी चीज प्रिय है, बाकी कुछ भी है रूल्स रेगुलेशन उससे कोई लेना देना नहीं है। ये इसका अब जो ये पेंटिंग है, मैं इसमें टेक्निक वाइज आपको बताऊंगा, मैंने इसमें टेक्निक वाइज थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें ट्रेडिशनल है, इसमें पेंसिल का बैकग्राउंड है वो ट्रेडिशनल एक औरत बनाई है और इसमें मिनिएचर से मैंने ये ज्वेलरी का पीस बनाया है, तो ये इसमें एक ऐसा कंपोजिशन हो गया, पेंसिल के साथ वाटर कलर का एक कॉम्बिनेशन हुआ है इसमें, तो ये हमने एक टेक्निक वाइज इसमें एक्सपेरिमेंट किया है और इसमें टेक्निक सारी मतलब बना हुआ वैसा ही मिनिएचर की तरह इंट्रिकेट वर्क है, आप अगर इसको अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो वैसी ही डिटेल दिखेगी जैसी हमें मिनिएचर में मिलती है, तो ये मिनिएचर है लेकिन एक कंटेम्प्रेरी पीस है, आर्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट पीस है। देखिए आप मिनिएचर देखेंगे इसमें, ये शायद अच्छा ना दिखे इसमें लेकिन ये पेंसिल से मिनिएचर है, मिनिएचर में जरूरी नहीं आप पूरी कलर्स यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप हर चीज वो ही यूज कर रहे हैं, इसमें पेपर ओल्ड है, हैंडमेड पेपर है लेकिन ये सिर्फ पेंसिल से है ड्राइंग, लेकिन इंट्रिकेसी वही मिनिएचर की है, तो ये मिनिएचर विद पेंसिल है, तो ये एक टेक्निक वाइज हमारा एक्सपेरिमेंट है। जी शुभंकर जी, मुझे ये समझ में आता है। हाँ बनु जी आप दिखाइए, ये जस्ट आप देखें कि एक नई पेंटिंग है, बस इसको एज अ पेंटिंग ही देखें, ये हमारे बदलाव आया है कि महिलाएं अब फ्रंट सीट महिलाओं के पास है। शुभंकर जी जो विजेता का झंडा कल्याण जोशी जी ने जो दोनों चित्र दिखाए हैं उससे मुझे एक नैरेटिव समझ में आ रहा है कि जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो अपनी टेक्निक्स, अपने मीडियम, अपने जो काम करने की जो शैली है उसको लेके, और जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है वो अपनी थीम्स, जो आज का जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो थीम्स है उनको लेके, और इन दोनों का एक बहुत सुंदर फ्यूजन यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो इस फ्यूजन के बारे में अगर आप और सुब्रतो सर थोड़ा कुछ थॉट्स दें। तो पहले मैं सुब्रतो सर को ही बोलूंगा, सर आप पहले बोलिए देन मैं बोलूंगा। क्या है कि ये तो बहुत पहले शुरू हो गया था जब बंगाल स्कूल डेवलप कर रहा है, बंगाल स्कूल डेवलप कर रहा है तो उस टाइम भी जानते ही जानते ना त्रिगुणा त्रिगुण काकुरा चित्रा नंदलाल नंदलाल बोस सारी जो इंडियन मिनिएचर और इंडियन आता था इंडियन टेम्परा पेंटिंग, इनको रिवाइव कर रहे हैं या तो दोबारा से बात करते हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ कि अरुणा टैगोर टैगोर फैमिली की है के नाते ब्रिटिशर्स से काफ़ी अच्छा रिलेशन था और ब्रिटिश से उनका वाटर कलर और जापानीज टेक्निक से जो कैलीग्राफिक ब्रश वर्क, साथ में इन्हीं मिनिएचर जो फॉर्मेट और मिनिएचर फिगर मुगल फिगर, जैसे कि आप जानते होंगे कि मुगल फिगर में हम लोग कहते हैं कि एनाटॉमी या तो इनर फिगर पता नहीं चलता, वो बढ़ता वो बड़े
ड्रिप, एक बॉडी, एक कपड़े से ढका हुआ बॉडी मिलता है। तो इन सब चीज़ों को लेके एक नई टेक्निक या तो नई स्टाइल डेवलप की। टेक्निक तो उनका ही था जिसे वह स्टिम्पर कहते हैं। टेक्निक के साथ एक नई स्टाइल डेवलप हुई जिसके बाद में ओरिएंटल स्कूल से बाद में नाम हो गया था बंगाल स्कूल, जिसमें सारा इंडियनिटी या इंडियन कल्चर या इंडियनिटी को रखने के लिए ये सब किया गया था। फिर धीरे धीरे जब मॉडर्निटी की बात आई ना टैगोर और पूरे इंडिया में, पूरी इंडियन सोसाइटी में मुंबई प्रोग्रेसिव ग्रुप जब मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं, बंगाल स्कूल को थोड़ा अलग कर दिया गया था, थोड़ा पीछे हो गया था। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब गुलाम मोहम्मद शेख और के जी सुब्रमण्यम और इनकी जो एक देन है, जो ये दुबरा मिनिएचर या तो इंडियन जितने शुभ्रत सर, आई हैव अ रिक्वेस्ट, आप ये ईयरफोन्स अगर हटा दें तो हम ज्यादा क्लियरली आपकी बात सुन पाएंगे। अच्छा ठीक है जी जी सर। तो क्या हुआ कि वो एक नई धारा तैयार की जहाँ पे फ्लैट बैकग्राउंड, जैसे अभी बन्नू जी ने दिखाया, बीरेन जी ने, कि एक स्कूटर रखा हुआ है, एक फ्लैट वॉल और कुछ ट्रीज, है ना, इस प्रकार एक फ्लैट एरिया और एक डोर और पीछे से बैकग्राउंड या टिल्टेड फोरग्राउंड और एक हॉराइजन और बैकग्राउंड को फोरग्राउंड में ले आना। ये जो टेक्निक था पर्शियन टेक्निक जो हमारे देश में मिनिएचर में मिनिएचर कैरी ओवर कर रहा था, ये गुलाम मोहम्मद से फिर दोबारा रिवाइव कर रहा। और फिर इंडियन जितनी सारी ट्रेडिशनों से पाप या नूर पेंटिंग है या तो बंगाल का फर्श चित्र है, इन सब चीज का मिसके इनके पॉप आर्ट का कल्चर और मानी सुब्रमण्यम एक नई फिगर के रूप में आ रहे हैं जिसके काम में ये सब सारा मिक्सचर है, हम फ्यूजन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अभी कॉन्टेम्प्रेरी टाइम पीरियड में ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट इसी चीज में वर्क कर, इसी प्रकार धारा में है, इसी प्रकार स्कूल को एक साथ करके जगह पे आने की चेष्टा कर रहे हैं। अब ये बात भी हो रही है पोस्ट मॉडर्निज्म के इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं कि इंस्टॉलेशन की बात हो रही है, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि छोटे छोटे एरिया जो होते हैं इंडियन रिचुअल्स होते हैं या तो हम कलर विजुअल सेंसेशन कह सकते हैं, इमोशन कह सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेके भी एक नई कंट्री वर्ल्ड में इंस्टॉलेशन में इंडियनिटी को लेके भी बहुत सारे वर्क कर रहे हैं, जिसमें स्कल्पचर तो बहुत ही लाजवाब है, ये हम सभी जानते हैं। ऐसे लसवा गॉड का काम, वो भी इसी धारा में उनको रिवाइव कर रही है, तो कैरी ओवर कर रहे हैं और ये एक फ्यूजन तैयार कर रहा है। जोशी जी जी बाकी उनकी फर्श चित्र में इसी प्रकार कॉन्शसनेस की, और ये है ना, ये बात भी बहुत ही अच्छी बात है और ये आप भी कर रहे हैं इन सब कंटेम्प्रेरी जो एनवायरनमेंट या सिचुएशन को या तो लोकल गॉड को ठीक उसी प्रकार गॉड में जो पानी यहाँ पे एक लोकल गॉड के रूप में दोबारा पानी एक गॉड के रूप में आ रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो अब मैं जो कर रहा हूँ, मैं ग्राफिक के टेक्निक को पेंटिंग में लेके आ गया कि ग्राफिक है, और मैं जिंक प्लेट को बाइट करके और बहुत लंबा प्रोसेस में ना जाके पेंटिंग में ग्राफिक का एक विजुअल सेंसेशन या विजुअल सरफेस तैयार करता हूँ। तो वहाँ पे भी एक पॉलिटिकल सेटायर रहता है, पॉलिटिकल सिचुएशन पे या तो ह्यूमन बिहेवियर में जो सेटेरिकल मूड होता है उनको मैं रख रहा हूँ पेंटिंग। बहुत लोग कर रहे हैं, केवल मैं नहीं, बहुत लोग इसी प्रकार एक्सपेरिमेंट में और इनमें रह रहे हैं और कर रहे हैं। जैसे अभी कंटेम्प्रेरी में छोटे छोटे जो हमारे छोटे छोटे स्टूडेंट से लेके कुछ सीनियर आर्टिस्ट तक पेंट करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई गाड़ियों में पेंट कर रहे हैं, कोई अम्ब्रेला में पेंटिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक न्यू फॉर्मेट न्यू एक फॉर्मेशन हो गया है, नया एक जगह पे जा रहे हैं, तो ये फ्यूजन तो होगा। और जैसे बीरेन जी ने कहा है कि पानी एक जगह पे जमा रहे तो सड़ेगा, बिल्कुल वो ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली आता है, अडॉप्ट करना ही पड़ता है कि लैंग्वेज में आपकी विजुअल सेंसेशन में।
कौन सा ऑब्जेक्ट बीटर है। तो सबसे सब ऑब्जेक्ट और टेक्निक और टेक्निक को हमें रिवाइव करना या तो दोबारा उसको देखना बाद में जाना ये तो होता ही रहेगा। जी सर आप एकदम सही कह रहे हैं। शुभांकर जी आप कुछ कंक्लूडिंग थॉट किस देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा, जो हम लोग चाहे कितना भी लैंग्वेज सीख ले, लेकिन जब हम लोग इमोशनल हो जाता है या डर जाता है या कोई भी चीज होता है, हमारे मुख से मदर लैंग्वेज ही निकल के आता है। तो जब शुरू में कॉलेज में मैं यूरोपियन टेक्निक सीखा था, बहुत सारा ग्रामेटिकल चीज, प्रस्पेक्टिव, रियलिस्टिक डायमेंशन, एकदम 3D लगे, मतलब क्योंकि यूरोपियन जो आर्टिस्ट है बहुत ज्यादा एक जो एक्सटर्नल जो ब्यूटी है, एक्सटर्नल जो रूप है उसके ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी देता था। तो ये सब चीज तो मैंने कॉलेज में सीखा, लेकिन जब मैं इंडियन पेंटिंग जब मेरे समझ होने लग गए, इससे पहले तक पेंटिंग समझता नहीं था, सिर्फ पेंटिंग की बाहर बाहर का रूप देखता था, रंग देखता था, बट धीरे धीरे जैसे समझने लग गए जो पेंटिंग क्या चीज है, जो पेंटिंग एक फॉर्म नहीं है, पेंटिंग एक इमोशन है। मैं पेंटिंग क्यों करूं, मैं क्यों एक कविता लिखूं, क्योंकि मेरे मन के अंदर वो भाव आ रहा है, वो अनुभव आ रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो जब ये अनुभव भाव की बात आ रहा है, तब मुझे लग रहा है जो रूप से भी बड़ा और एक चीज होता है जो इमोशन, और इमोशन का जब पकड़ना है तो उसमें रूप को प्रायोरिटी नहीं देना है ना, उसमें मुझे वो फॉर्म जितना सिंपल होगा हम लोग उतना ज्यादा भाव के अंदर जा पाएंगे। तो इंडियन पेंटिंग में ये चीज, हमारी जो ट्रेडिशनल पेंटिंग है, ये चीज मैंने हर जगह पे देखा, जो बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव, ग्रामेटिकल लाइट एंड शेडो, ये सब चीज बहुत कम हो गए, बहुत ज्यादा इमोशन के ऊपर वो लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया। जैसे अभी वीरेंद्र सर की पेंटिंग में भी देखा, कल्लन सर की पेंटिंग में भी देखा, शुभ सर ऑलरेडी बोल चुका है, जो इनकी पेंटिंग में एक ही सरफेस के ऊपर कितने सारी छोटा 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 स्टोरी है। लेकिन अगर हम लोग वेस्टर्न पेंटिंग में देखे, ऐसे बहुत ही कम पेंटिंग है जिसमें बहुत सारे स्टोरी, मैक्सिमम पेंटिंग में एट ए टाइम एक ही बात बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा नैरेटिव नहीं है। तो हमारी ये जो कल्चर है, हमारे कल्चर में ये चीज हम लोग देखा, जो इसके अंदर काफी सारा छोटा 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 जो स्टोरी, मतलब कि एक छोटा छोटा भाव, एक कहानी, वो चीज पेंटिंग के अंदर आने लग गए, है ना। तो जब अभी रिसेंटली मैं जब पेंटिंग कर रहा हूँ, तो मैं बंगाली हूँ, तो काली माता, दुर्गा माता, इन लोगों के लेके मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, बट ये पुराना जो मैथोलॉजिकल कहानी है। लेकिन अभी मैं रिसेंट, अगर जैसे हम लोग बोलते हैं भगवान इस टाइम तुमको आना चाहिए था, तो भगवान अभी आए, जैसे सैर का पेंटिंग में भी देखा था अभी, है ना, कृष्णा को अलग रूप में, या पहले का जो ट्रेडिशनल स्टाइल था उस थोड़ा चेंज होके मॉडर्न कॉस्ट्यूम में आ गए। तो अगर गॉड गॉडेस अभी आए तो किस फॉर्म में आएगा, इस सिचुएशन के हिसाब से किस फॉर्म में से वो आएंगे, तो ये सारे चीज मेरे पेंटिंग में आने लग गए। और मैं बोलूंगा इसी जगह पे ये जो फ्यूजन वाला बात आ रहा है ना, इसी जगह पे अगर हम लोग कोई चीज कंटिन्यू चर्चा करें, देखते रहे, सोचते रहे, तो ऑब्वियसली एक दूसरे चीज के साथ मिलेगा ही मिलेगा, और नया चीज शुरुआत होगा ही होगा। तो बस मुझे यही बोलना था। जी शुभांकर जी, आपने अपने कला की जो आत्मा है वो अपनी जड़ों से कैसे जुड़ी हुई होती है, इसको बहुत बखूबी अपने शब्दों में व्यक्त किया है। देखिए राजस्थान तो एक मरुभूमि है, दूर दूर तक बालुई रेत है, और उस रेत में जो कुछ ही कुछ इतने जो रंग हैं जो इस कला के माध्यम से उभर के आए हैं, वो ही हमें एक सुकून देते हैं। राजस्थानी भाषा में कहा गया है कि मारु थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला एक मरवण एक कसुमल रंग। तो ये जो ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कलर्स हैं, उनसे जुड़ी हुई हमारी जो ट्रेडिशनल आर्ट है, जो मिनिएचर और फर पेंटिंग, जिनके बारे में आज जोशी जी ने और वन्नू जी ने बताया, और उसी में अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, पोस्ट मॉडर्न, और जो एक नए थीम्स और नए नैरेटिव्स को लाने वाला हमारा कंटेम्प्रेरी आर्ट है, जिसके ऊपर सुब्रतो सर और शुभांकर जी आपने प्रकाश डाला। तो इन बातों को खत्म करने का मन तो कह रहा, किंतु समय सीमा है, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने से पहले मैं हमारी इंडियन नेशनल डेल्फिक काउंसिल, हमारी डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की अध्यक्षा
गुहा मैम, हमारे सचिव सोनी सर, हमारी पूरी टीम, शुभ से जो इस कार्यक्रम के डिजाइनर है मुदित जी, उनका धन्यवाद देती हूँ। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के धन्यवाद। और इस डेल्फिक डायलॉग श्रृंखला का जो अगला कार्यक्रम है वो अगले शनिवार को शाम 5 बजे राजस्थान की लोक परंपरा से होगा, तो कृपया उस कार्यक्रम से जरूर जुड़े और हमारे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे उसकी जानकारी प्राप्त करते रहें। मैं एक बार पुनः अपने सम्मानित पैनलिस्ट्स को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। सभी दर्शकों का धन्यवाद, शुक्रिया।